मैं हूं आपके साथ नम्रता। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पर 3-2 से कब्जा जमा लिया। विराट ने पांचवें और हाई वोल्टेज मुकाबले में नाबाद 80 रन की पारी खेली। कोहली के अलावा सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी रन निकले। यही नहीं, गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि एक समय इंग्लैंड टीम हावी होती हुई नजर आ रही थी, मगर 225 रनों के टारगेट के जवाब में इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट महज 0 पर ही गंवा दिया था। इसके बाद जोस बटलर और डेविड मलान के बीच 130 रन की साझेदारी हुई। इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया। इस जोड़ी ने कप्तान कोहली को भी चिंता में डाल दिया था। हालांकि भुवनेश्वर कुमार इस साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे। उन्होंने जोस बटलर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। 52 रन पर खराब शॉट खेलकर बटलर निराश थे और इसी वजह से पवेलियन लौटते समय वो भारतीय कप्तान से भिड़ गए। वैसे तो क्रिकेट मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच लड़ाई झगड़े आम बात है। विराट और बटलर का झगड़ा भी कुछ वैसा ही था। दोनों में खुलेआम बहसबाजी देखने को मिली। यहां तक कि विराट कोहली जोस बटलर की तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दिए। दरअसल 13वें ओवर में भुवी की गेंद पर आउट होने के बाद जब बटलर पवेलियन लौट रहे थे तो उन्होंने कुछ कहा, जिस पर कोहली भड़क गए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद बटलर भी रुक गए और कोहली से उलझने के लिए वापस से पिच की ओर आने लगे। हालांकि दोनों के बीच हुई इस कहासुनी का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके बाद कोहली अंपायर से बात करते हुए नजर आए। बटलर के पवेलियन लौटने के बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई थी और टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन ही बना पाई। जोस बटलर ने इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत तो दिलाई, लेकिन इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर और निचला क्रम उसे बरकरार नहीं रख सका। ये उसके सीरीज गंवाने की एक बड़ी वजह बनी। इंग्लैंड की ओर से बटलर के अलावा डेविड मलान ने अर्धशतक जड़ते हुए 68 रन बनाए। टेस्ट टी20 सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड के पास इज्जत बचाने के लिए अब वनडे सीरीज बची है। 23 मार्च को पुणे में दोनों टीमों के बीच वनडे की फाइट देखने को मिलेगी। ऐसे में बटलर विराट की गर्मा गर्म बहस मैदान पर फिर से देखने को मिल सकती है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय कमेंट और लाइक के जरिए दे सकते हैं। और अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो बल्लेबाजी.com एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। इससे आप अपनी टीम बनाकर लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। अगर कल आपने विराट, रोहित या डेविड मलान को अपना बल्लेबाजी कप्तान बनाया होगा तो बल्लेबाजी.com की तरफ से आपको जरूर इनाम मिला होगा। अब वनडे सीरीज में आप अपनी टीम बनाकर पैसे जीत सकते हैं, तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी टीम जरूर बनाएं और अपनी फैंटेसी टीम बनाकर मालामाल बन जाइए। इस एप्लीकेशन को आप हमारी इस खबर के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन है, उसमें हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।